वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे बॉडी ऑर्डर के बारे में। अब चलिए, जो पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी उसमें तो ये बताया था कि उनको बहुत पसीना आता है। अब कुछ लोगों को पसीना तो बहुत कम आता है लेकिन उनके शरीर से बदबू बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नींबू का रस और बेकिंग सोडा, जो घर का खाने वाला सोडा होता है, उसको मिलाकर पेस्ट बना लें और जो इफेक्टेड एरिया है, खासतौर पर जैसे अंडर आर्म्स है, जहाँ से भी आपके बदबू आती है आपके शरीर में, वहाँ पर ये पेस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट तक रुकना है और उसके बाद धो लेना है। ये जो सोडा है ये एब्जॉर्बेंट इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करेगा और साथ ही बैक्टीरिया को किल करेगा, और साथ में जो नींबू है ये स्किन का पीएच लेवल लो करेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है, ये जो पेस्ट है, ये एक तरह का नेचुरल डीओ जैसा काम करता है। तो ये पेस्ट लगा लें आप और उसके बाद धो लें, आप देखेंगे कि आपको ना तो किसी तरह का डीओ लगाने की ज़रूरत है और ना ही आपके शरीर से बदबू आएगी। इसके साथ साथ आप टमाटर का प्रयोग करें। टमाटर एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। आप इफेक्टेड एरिया में टमाटर को काट कर उसका रगड़ सकते हैं, उसका जूस अप्लाई कर सकते हैं नहाने से पहले, और साथ ही दिन में 2 बार सुबह और शाम को टमाटर का 1-1 कप जूस का भी सेवन करें। ये क्या करेगा कि शरीर से बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को डेवलप ही नहीं होने देगा, और जो आपने अप्लाई किया हुआ है टमाटर वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, तो अगर बैक्टीरियाज डेवलप हो गए हैं तो उनको किल कर देगा। एप्पल साइडर विनेगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल बैक्टीरिया क्लीनिंग इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। आप एप्पल साइडर विनेगर कॉटन की मदद से लगा सकते हैं, 1-2 मिनट रुकें और उसके बाद नहा लें, और आप नहाते समय 1 मग पानी में 3-4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर एक स्पंज की सहायता से पूरी बॉडी में आप और खासतौर पर इफेक्टेड एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपको शरीर से बदबू आने की संभावना जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर और उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये बॉडी का पीएच लेवल लो करता है और साथ ही जो आपने स्किन में अप्लाई किया हुआ है वो स्किन का भी पीएच लेवल लो करेगा, जिससे कि ये जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरियाज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। साथ में अल्कोहल और स्मोकिंग का प्रयोग ना करें आप। बैलेंस डाइट लें, ढेर सारा पानी पिएं, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं, और जैसा मैंने सबसे पहले बताया था व्हीट ग्रास पिए आप, वो नेचुरल तौर पर आपको शरीर से जो बदबू आने की प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। बस इन आसान आसान से उपायों को अपनाइए और आप देखेंगे कि जो शरीर से बदबू आने की प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई है। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।